મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હરમે સત્યની સાથે कांग्रेस पार्टी ने किया आक्रोशन प्रदर्शन बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप के बाहर यही नज़ारा देखने को मिला कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से जनता परेशान है और जनता के खाने की थाली से अब खाना भी गायब होता जा रहा है और जनता पहले से ही कोरोना काल में परेशान है और ऊपर से महंगाई की मार पड़ रही है और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से रोजमर्रा की ज़रूरत की हर चीज़ महंगी हो गई है। चाहे वो सब्जी हो या आटा हो या दूध, सभी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं और आज पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये हो चुके हैं। पर सरकार जनता का भार कम करने की वजह बढ़ाती जा रही है। वहीं दिल्ली में सभी पेट्रोल पंप पर सुबह से ही कांग्रेस में लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं यूथ कांग्रेस की लोगों ने जनपद पेट्रोल पंप से बाहर प्रदर्शन की और केंद्र सरकार से बड़े दामों को वापस लेने के लिए कहा। स्पीड न्यूज 17 के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट, कैमरामैन मोहम्मद इरदास दिल्ली से। पेट्रोल और डीजल के दाम 5 महीने में 44 बार बढ़ाए गए हैं। इस संवेदनहीन सरकार को आज हम भारतीय युवा कांग्रेस के सिपाही हम ये जताना चाहते हैं कि 2014 से पहले जो आपका नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार
तो मैं मोदी सरकार को बताना चाहते हैं हम आपके माध्यम से कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब हटाओ मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल के दाम किस तरह निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, हम मोदी सरकार से निरंतर मांग कर रहे हैं इनको कम करे। देश की जनता भूखी प्यासी मर रही है, कोरोना से मरने लग रही है और उस पे ये महंगाई की मार। हम रोज निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं कि तेल के दाम कम हो, कम नहीं हो तम सड़कों पे उतरेंगे, निरंतर इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक तेल के दाम कम नहीं किए जाते। हम चैन से नहीं बैठेंगे। यूथ कांग्रेस लगातार एक साल हो गया लगातार तेल के दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि तेल के दाम कम करे जाए। तेल के दाम के साथ साथ ये सरसों के तेल के दाम भी इन्होंने 200 पार कर दिए, इन्होंने सिलेंडर के दाम पार कर दिए। गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम निरंतर मोदी जी से प्रयत्न कर रहे हैं कि आप करो, ये इतनी झूठी सरकार है, निरंतर तेल के रेट बढ़ाए जा रही है। हमारे पूरी दिल्ली में हर जिले में हर विधानसभा हर वार्ड में हर पेट्रोल पंप पे हमारा प्रदर्शन है। हमारा इसी तरह प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक ये तेल के दाम कम नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग आज परेशान है महंगाई को लेके, पेट्रोल डीजल को लेके, हर चीज को लेके जो परेशान है लोग, सड़कों पे उतरने की नौबत आ गई है लोगों की। हर आदमी ऊपर से लेके नीचे तक हर आदमी परेशान घूम रहा है। यहाँ पर क्या समस्या होगी इसकी बताइए आप। यूथ कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन लगातार प्रदर्शन करता रहेगा सबके साथ हर